हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल कॉमर्स विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट, इसके नेक्स्ट टॉपिक फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फॉरफीट ऑफ शेयर्स की डिफरेंट कंडीशंस के बारे में आपको बताया था। आज हम रीइश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है रीइश्यू से या लॉस होता है उसका कंपनी क्या करती है। ओके, सो यहाँ पर हमारी टू कंडीशंस है, फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार और फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। तो सबसे पहले हम केवल रीइश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। रीइश्यू मतलब अब तक कंपनी क्या कर रही थी, अपने शेयर्स वापस लेती थी जिनके अनपेड या ड्यू पेमेंट रहती थी। तो जो शेयर होल्डर अपने शेयर्स की पेमेंट नहीं करते या उनका जो पेमेंट है वो ड्यू रहता है, तो कंपनी एक नोटिस देने के बाद उनके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करने के बाद कंपनी इन शेयर्स को किसी दूसरे शेयर होल्डर को सोल्ड कर देगी, किसी और को सेल कर देगी। ओके, तो उसे हम बोलते हैं रीइश्यू। सो रीइश्यू में हमारी थ्री कंडीशंस होती हैं। इश्यू की अगर आपको याद हो तो केवल दो कंडीशन होती थी, कोई भी कंपनी इश्यू केवल पार पर और प्रीमियम पर कर सकता है, लेकिन रीइश्यू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पर कंपनी कर सकती है। तो रीइश्यू में हमारी थ्री कंडीशंस हैं, रीइश्यू एट पार, रीइश्यू एट प्रीमियम और रीइश्यू एट डिस्काउंट। ठीक है, तो इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा रीइश्यू एट पार। रीइश्यू एट पार, सपोज शेयर 10 रुपीज का था, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज थी और कंपनी अब उसे फिर से 10 रुपीज में किसी और को सेल कर रही है। तो यहाँ जब फेस वैल्यू और रीइश्यू वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं, इट मीन्स कंडीशन हमारी कौन सी है, रीइश्यू एट पार। ओके, जब जितने शेयर की फेस वैल्यू थी कंपनी उसी वैल्यू पर उसे किसी और को सेल कर दे, फिर से सेल करे, फिर से इश्यू करे, तो दैट कंडीशन इज रीइश्यू एट पार। तो इस कंडीशन पे हमारी ये जनरल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम वो अमाउंट डालते हैं जितना रीइश्यू करने पर कंपनी को रिसीव हुआ है, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू। शेयर कैपिटल में शेयर की पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू शो करनी होती है। अगर हमारे क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू है तो हम पेड अप वैल्यू शो करेंगे, पेड अप वैल्यू नहीं दी तो हम फेस वैल्यू शो करेंगे। ओके, तो ये होगी हमारी रीइश्यू एट पार। नेक्स्ट है रीइश्यू एट प्रीमियम। रीइश्यू एट प्रीमियम, सपोज शेयर था 10 रुपीज का, 10 रुपीज ईच, लेकिन कंपनी ने उसे 11, 12 ऐसे रीइश्यू कर दिया, मीन्स फेस वैल्यू से या पेड अप वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर रीइश्यू कर दिया, तो वो कंडीशन होती है हमारी रीइश्यू एट प्रीमियम। इस कंडीशन पे हमारी जनरल होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में अमाउंट आता है सेम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू, रीइश्यू पर जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसे हम शो करते हैं बैंक अकाउंट में। शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू, जितना भी पेड अप वैल्यू थी शेयर की वो हम शो करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितना भी एक्सेस अमाउंट आया है, जैसे यहाँ 10 का शेयर कंपनी ने 11 में सेल कर दिया तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 10, रीइश्यू कितने में किया 11 पर, शेयर की पेड अप वैल्यू क्या थी 10 और प्रीमियम कितना हो गया 1। ओके, फिर से देख लीजिए, कंपनी ने सपोज 11 रुपीज पे रीइश्यू कराया शेयर को, तो 11 आ जाएगा बैंक में इंटू शेयर आ जाएंगे यहाँ जितने भी शेयर रीइश्यू करे हैं, तो रीइश्यू शेयर इंटू 11, देन शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी थी, या शेयर की पेड अप वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं है तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, तो रीइश्यू शेयर इंटू फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने कितनी लिया 10 रुपीज लिए पेड अप वैल्यू, तो 10 और यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब 10 का शेयर 11 में सेल किया है कंपनी ने तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न किए हैं, तो वो रीइश्यू शेयर इंटू प्रीमियम अमाउंट। तो ये हो जाता है हमारा रीइश्यू एट प्रीमियम। नेक्स्ट हम करते हैं रीइश्यू एट डिस्काउंट। यहाँ रीइश्यू एट डिस्काउंट जो मोस्टली कंडीशन होती है कंपनी का शेयर मोस्टली कम रेट पर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पर भी चला जाए, पर ये कंडीशन मोस्टली अक्रेबल कंडीशन होती है।
तो सपोज 10 रुपीज़ का शेयर है, कंपनी ने इसे फिर से सेल किया और ये सेल हुआ रुपीज़ 8 में या 9 में, मतलब पेड अप वैल्यू से कम अमाउंट में या फेस वैल्यू से कम अमाउंट पर अगर सेल हुआ है, तो ये कंडीशन होती है हमारे री इश्यू एट डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट रिसीव हुआ है री इश्यू पर, मतलब जितने पर कंपनी ने री इश्यू किया है शेयर को। तो यहाँ सपोज 8 रुपीज़ पर री इश्यू किया है, तो हम यहाँ 8 रुपीज़ से शो करेंगे वैल्यू। तो री इश्यू शेयर जितने थे उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 8 से, क्योंकि कंपनी ने 8 से री इश्यू किया है। देन फॉरफिट शेयर अकाउंट, इसमें हम शो करते हैं डिस्काउंट, री इश्यू पर जो भी डिस्काउंट अलाउ किया गया उस डिस्काउंट को शो करेंगे। तो यह शेयर है 10 का, री इश्यू किया 8 में, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 2 का। देन शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें सेम वही क्रेडिटेड पेड अप अमाउंट आएगा या फिर फेस वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम शेयर की वैल्यू लेते हैं 10 रुपीज़ थी, री इश्यू किया 8 में, तो 2 रुपीज़ का हो गया डिस्काउंट। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई हम री इश्यू शेयर से करके दिखा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा अमाउंट निकल आएगा कि कितने में कंपनी ने री इश्यू किया और कितने का डिस्काउंट था और कितना शेयर की पेड अप वैल्यू थी। ओके, तो ये हो गया री इश्यू। अब री इश्यू करने के बाद कंपनी इस अमाउंट को, इस गेन को ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी तो अलग अलग कंडीशंस हैं, मैं इसके बारे में जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एंट्री होती है इसकी फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री बनाई जाती है अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, गेन को ट्रांसफर करने के लिए। तो री इश्यू करने पर कंपनी को जितना भी गेन होता है कंपनी उस गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो उसके लिए ये जनरल हम रिकॉर्ड करते हैं, ये एंट्री हमें बनानी होती है। तो ये हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज टॉपिक के बारे में। अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिसमें आपको सिचुएशन बेटर क्लियर होगी। ओके, यहाँ मैंने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन ली है 49, पेज नंबर 8.83, बुक है हमारी TS ग्रेवाल। सो इलस्ट्रेशन 49, इसमें सारी कंडीशंस हैं, तो मैं आपको ये वन बाय वन ये केसेस हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। सो नवलक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ओके, अनपेड आ गया हमारा। एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज शेयर इज येट टू बी मेड, अभी 2 रुपए कंपनी को अभी मांगने हैं, अभी 2 रुपए कंपनी ने नहीं मांगे। ऑल द फॉरफिट शेयर आर वर रीइश्यूड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, तो हमारे पास ये अलग अलग केसेस हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग जनरल पास करनी है। तो केस वन, इफ शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 5 per share, सो इस क्वेश्चन में अभी तक कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 8, क्योंकि 2 रुपीज़ अभी कंपनी को बनाने हैं, मांगने हैं, फाइनल कॉल अभी कंपनी ने नहीं बनाई, तो कंपनी ने अब तक कितने रुपए मांगे हैं, कितने कॉल्ड अप किया है, 8, तो कॉल्ड अप अमाउंट हमारा कितना आया, 8, इसमें से नॉन पेमेंट कितना है, 3, मीन्स पेड कितना कर दिया, 8 में से अगर 3 रुपीज़ नहीं दिए तो कितने दे दिए, 5, तो उससे हमें बनानी है फॉरफिट एंट्री। तो चलिए फॉरफिट एंट्री बनाते हैं और उसके बाद री इश्यू। ये मैंने क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट बना लिया है, फॉरफिट शेयर है 500, कॉल्ड अप अमाउंट है 8, नॉन पेमेंट है 3, तो इसमें से 8 - 3 पेड अप कितना आ गया, 5, तो इसकी हम फॉरफिट एंट्री पहले बना लेते हैं। तो फॉरफिट एंट्री हमारी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या नहीं दिया उसने, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ओके, 500 शेयर कॉल्ड अप है 8, 500 शेयर फर्स्ट कॉल 3 एंड 500 शेयर पेड अप अमाउंट 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4000, 1500, 2500। तो ये हो गई हमारी फॉरफिट वाली एंट्री। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम बनाते हैं री इश्यू की अलग अलग कंडीशंस में। फॉरफिट की एंट्री चेंज नहीं होगी, केसेस के अकॉर्डिंग री इश्यू की एंट्री चेंज होगी, फॉरफिट की एंट्री यही रहेगी, इसमें चेंज नहीं होता। ओके, तो री इश्यू हम देख लेते हैं। यहाँ कंपनी ने री इश्यू किया है 5 per share,
हमें पहले शेयर की वैल्यू याद रखनी है, शेयर की वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू अभी तक 8 रुपीज, या कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज, ठीक है। मतलब शेयर की अभी तक शेयर कितने रुपीज का है, 8 रुपीज का, 2 रुपए कंपनी ने अभी मांगे नहीं है, तो शेयर की फाइनल वैल्यू कितनी है 8, और रीइश्यू कितने पे किया 5 पर, तो कम पर किया है, तो कम पर किया है मतलब डिस्काउंट, तो रीइश्यू है डिस्काउंट, तो रीइश्यू है डिस्काउंट में हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो बैंक में क्या आता है, रीइश्यू जितने से किए, शेयर कितने हमारे पास 500, रीइश्यू कितने पे किए 5 पर, 500 शेयर, शेयर की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का शेयर 5 पर किया है, तो डिस्काउंट कितने का आ गया 3, तो ये आ जाएगा आपका 2500, 1500, और यहाँ पर टोटल आ गया आपका 4000। ये हो गई हमारी जनरल, ओके। तो सॉरी मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, तो उसके लिए वेरी सॉरी, बट आप फॉर्मेट में ही करना प्लीज। तो ये हो गई हमारी रीइश्यू की एंट्री, रीइश्यू अमाउंट कितने पे किया 5 पर, डिस्काउंट कितना है 3, शेयर की वैल्यू कितनी थी 8, तो ये हो गया केस 1। केस 2 हम देख लेते हैं, रीइश्यू फॉर रुपीज 9 पर शेयर, यहाँ पर शेयर की वैल्यू कितनी है अभी तक 8, और रीइश्यू कितने पे किया है कंपनी ने 9, तो कौन सी कंडीशन हो गई, ज्यादा पर रीइश्यू किया है तो प्रीमियम, तो यहाँ प्रीमियम वाली एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रीइश्यू क्या है 9 पर, शेयर की वैल्यू है 8, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है 1, और शेयर कितने थे 500, तो 59 जा 45, 58 जा 40, 51 जा 5। ये हो गया हमारी रीइश्यू एट प्रीमियम, केस 2, ओके। केस 3, रीइश्यूड फॉर रुपीज 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, तो 8 रुपीज पे शेयर पर रीइश्यू किया है कंपनी ने, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पेड अप वैल्यू क्या होगी इसकी फुल, तो फुल वैल्यू कितनी है शेयर की 10 रुपीज, फुल्ली पेड अप बोल दिया यहाँ पर, तो फुल्ली पेड अप वैल्यू मतलब फुल वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू, वो कितनी है शेयर की 10 रुपीज, ओके। सो यहाँ पर 10 रुपए के शेयर है, कंपनी ने 8 पर रीइश्यू किया मतलब डिस्काउंट पर किया, तो इसमें फिर से डिस्काउंट वाली एंट्री बनेगी, रीइश्यू एट डिस्काउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पेड अप वैल्यू फुल है 10, रीइश्यू कितने पे किया 8 पर, तो डिस्काउंट कितना आ गया 2, शेयर कितने हमारे 500, तो 58 जा 40, 52 जा 10, और 510 जा 50। ये हो गई हमारी रीइश्यू की एंट्री केस 3 में। अब केस 4 देख लेते हैं, केस 4 में क्या बोला है, रीइश्यूड एट 12 पर शेयर, फुली पेड अप, ओके। तो शेयर फुली पेड अप मतलब शेयर की फेस वैल्यू 10, रीइश्यू कितने पे किया 12 पर, तो यहां ज्यादा पर कर रहा है, ज्यादा वैल्यू पर, तो ये कौन सी एंट्री बनेगी हमारी प्रीमियम वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट में रीइश्यू कितने पे किया 12 पर, शेयर कैपिटल फुल्ली पेड वैल्यू कितनी है 10, प्रीमियम कितने को गया 12 माइनस 10 2, शेयर हमारे पास 500, ट्वेल्व फाइव जे 60 मतलब 6000, 5000, और ये
1000। ये हो गई हमारी एंट्री केस नंबर 4 में। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अमाउंट जो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में उसे कैसे किया जाता है। क्लियर? सो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था हमारी दो कंडीशन होती है, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड और व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइश्यूड। तो अभी हम इस वाली कंडीशन में देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व जो हमारी ट्रांसफर किया जाता है अमाउंट वो कैसे निकाला जाता है। तो एंट्री हमारी यही रहती है दोनों कंडीशन में, बट गेन का अमाउंट निकालने का प्रोसेस चेंज हो जाता है। ओके, तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन करेंगे व्हेन ऑल फॉरफिट शेयर्स आर रीइश्यूड। तो सेम क्वेश्चन में हम कैपिटल रिजर्व देख लेते हैं कि कैसे अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। सो ये हम फर्स्ट कंडीशन करेंगे व्हेन ऑल फॉरफिट शेयर्स आर रीइश्यूड। तो हम इसमें केस वन देखते हैं। केस वन में हमारा ये था हमारा केस वन, व्हेन रीइश्यू फॉर 5 पर शेयर कंपनी ने किया था शेयर्स को, 500 शेयर्स थे। फॉरफिट कितने की इस क्वेश्चन में, 500 ही फॉरफिट शेयर थे। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था, फॉरफिट शेयर थे 500 और रीइश्यू कितने किए कंपनी ने, 500 ही रीइश्यू किए हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हमारी, व्हेन ऑल फॉरफिट शेयर्स आर रीइश्यूड। तो इस कंडीशन में जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाता है वो केवल फॉरफिट शेयर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ फॉरफिट शेयर का डिफरेंस मतलब फॉरफिट एंट्री में जो फॉरफिट शेयर हमारा एक तो यहाँ पर आया है, एक फॉरफिट शेयर हमारा कहाँ था, रीइश्यू एंट्री में। ये देखिए, एक तो हमारा फॉरफिट एंट्री में आया था फॉरफिट शेयर और एक यहाँ पर हमने लिखा है फॉरफिट शेयर। ठीक है, वहाँ क्या था क्रेडिट, यहाँ क्या है डेबिट। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। यहाँ पर है 1500 और यहाँ पर क्रेडिट है 2500। तो 2500 माइनस 1500, क्लियर हो रहा है। फॉरफिट एंट्री में जो भी फॉरफिट अमाउंट था वो और रीइश्यू एंट्री में जो फॉरफिट अमाउंट है उन दोनों के डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व में शो किया जाता है। तो फॉरफिट एंट्री में फॉरफिट अमाउंट है 2500, रीइश्यू एंट्री में फॉरफिट अमाउंट है 1500। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2500 माइनस 1500 1000। तो इस 1000 का अमाउंट हम शो करेंगे कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में। ओके, यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। एंट्री थी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आया डिफरेंस 1000। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, नरेशन में क्या लिख लेंगे, बीइंग गेन ऑन रीइश्यू शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, केस वन। केस टू का हम देखते हैं कितना फॉरफिट अमाउंट आएगा, उसमें भी सेम करना है, फॉरफिट की एंट्री और रीइश्यू की एंट्री उन दोनों में फॉरफिट शेयर का डिफरेंस हमें लेना है। ओके, ये हमारी फॉरफिट एंट्री, तो फॉरफिट शेयर कितना है अगेन 2500 और केस टू में हमारा फॉरफिट अमाउंट कहीं है, नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस लेने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ हमारे पास केवल एक ही फॉरफिट शेयर अमाउंट है। तो यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि कोई डिस्काउंट ही नहीं था जो हम इसमें से माइनस करें। तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 2500 का, तो यही 2500 हम कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे। सो केस टू में हम एंट्री बनाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, एंट्री हमारी सेम रहेगी केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं था, तो जितना हमारा वहाँ पर अमाउंट आया था फॉरफिट शेयर में 2500 वही हम यहाँ शो करेंगे। यहाँ डिस्काउंट नहीं था माइनस करने के लिए, तो इसलिए जितना फॉरफिट एंट्री में हमारा अमाउंट आया है वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। थर्ड केस पे देख लेते हैं, फॉरफिट अमाउंट सेम 2500 और केस थ्री हमारा फॉरफिट शेयर है, केस थ्री में कितना है 1000। तो 2500 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 1500। ओके, तो 1500, सो फिर से एंट्री बना लेते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500। केस फोर में हम देखते हैं, केस फोर में क्या है,
तो डिस्काउंट होगा तो माइनस किया जाएगा, प्रीमियम होगा तो सेम अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। पार की कंडीशन में भी सेम होता है, जो फॉरफिट एंट्री में आपका फॉरफिट अमाउंट आया है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट होता ही नहीं है, डिस्काउंट केवल डिस्काउंट वाली एंट्री में होगा, तो वहीं से डिफरेंस लिया जाएगा और तब कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे। अदरवाइज जो आप फॉरफिट एंट्री बनाएंगे उसमें जो भी फॉरफिट अमाउंट आएगा वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो केस नंबर 4 हम फिर से एक बार देख लेते हैं। फॉरफिट एंट्री में फॉरफिट अमाउंट सेम 2500, केस 4 में हमारे पास कोई सिक्योरिटी फॉरफिट शेयर नहीं है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट हमने नहीं डाला, नहीं था हमारे केस में, ठीक है। तो कितना अमाउंट जाएगा फिर से 2500। तो आई होप अब आपको ये सिचुएशन क्लियर हो चुकी होगी कि कैपिटल रिजर्व में जो गेन दिखाया जाता है वो कहाँ से आता है। ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो फॉरफिट अमाउंट या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमने कैसे निकाला, फॉरफिटेड अमाउंट एट फॉरफिटेड टाइम माइनस फॉरफिटेड अमाउंट एट रीइश्यू, ठीक है। तो फॉरफिटेड अमाउंट जो फॉरफिट एंट्री बनाते टाइम आपने लिया था, आया था आपका, और फॉरफिट अमाउंट जो रीइश्यू के टाइम पर हमने निकाला था, उन दोनों का डिफरेंस। और अगर ये नहीं है तो इसे हम लेट करेंगे जीरो, ओके, क्योंकि ये केवल डिस्काउंट की कंडीशन में आता है। तो पार और प्रीमियम की कंडीशन में ये जीरो लेट किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन हो गई हमारी रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन डिफरेंट कंडीशंस, रीइश्यू एट पार, रीइश्यू एट प्रीमियम एंड रीइश्यू एट डिस्काउंट। और हमने देखा फिर कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर किया जाता है व्हेन ऑल फॉरफिट शेयर्स आर रीइश्यूड। सेकंड कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये सिचुएशन आपको क्लियर हुई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर सिचुएशन क्लियर नहीं हुई तो प्लीज एक बार वीडियो को जरूर से फिर से आप पॉज करके, जहां आपको डाउट होता है वहां पॉज करिए और फिर से सुनिए, और वीडियो को स्किप करके ना देखें प्लीज। ये अकाउंटेंसी है, इसमें आपका कोई रट्टाफिकेशन काम नहीं आने वाला। अगर आपको समझ में आता है तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। चैप्टर बहुत अच्छा है, आई थिंक आपको क्लियर भी हो रहा होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।